जय हिंद दोस्तों, मैं हुकम दाराबाद आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच प्रमुख विवादों के बारे में। भारत और पाकिस्तान के बीच में प्रमुख रूप से चार विवाद हैं। पहला है पीओके विवाद, दूसरा है चियाचिन विवाद, तीसरा है सरक्रिक विवाद और चौथा है सिंधु नदी जल विवाद। तो सबसे पहले हम पहला विवाद देखते हैं, पीओके विवाद। पीओके विवाद शुरू होता है जिस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था। उस समय भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में कई छोटी बड़ी देसी रियासतें थीं। तो ब्रिटिश सरकार ने देसी रियासतों को कहा था कि अगर देसी रियासत चाहे तो वो भारत के अंदर भी शामिल हो सकती है, अगर वो चाहे तो पाकिस्तान के अंदर भी शामिल हो सकती है, और अगर चाहे तो वो स्वतंत्र रूप से भी रह सकती है। तो उन सभी देसी रियासतों में एक रियासत थी जिसका नाम था जम्मू कश्मीर देसी रियासत, जो यहाँ पर थी। इस जम्मू कश्मीर देसी रियासत के राजा थे हरि सिंह जी, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्वतंत्र रूप से रहेंगे, न तो भारत के साथ में शामिल होंगे न पाकिस्तान के साथ में। फिर उनका थोड़ा मन पाकिस्तान की तरफ गया, उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान के अंदर शामिल हो जाए। तो पाकिस्तान के साथ में कोई एग्रीमेंट उनका नहीं हुआ था, उनका बस थोड़ा बातें ही चल रही थी। उस समय पाकिस्तान की जो नीतियां थी वो हरि सिंह जी को पसंद नहीं आई, तो हरि सिंह जी ने डिसाइड कर दिया कि मैं जम्मू कश्मीर देसी रियासत को भारत के साथ में शामिल करना चाहता हूँ। और उन्होंने जम्मू कश्मीर देसी रियासत को भारत के साथ में शामिल कर दिया, पूरी की पूरी देसी रियासत को, और एग्रीमेंट पर साइन कर दिए। तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर देसी रियासत के यहाँ तक भाग पर, ये जो भाग रेड लाइन आपको दिख रही है, जब जम्मू कश्मीर देसी रियासत भारत के साथ में शामिल हुई तब तक काफ़ी देर हो गई थी, और पाकिस्तान ने हमला करके जम्मू कश्मीर देसी रियासत का ये वाला जो पूरा भाग है, इस रेड लाइन के इस साइड वाला भाग, उस पर अधिकार कर लिया था। और भारत के साथ में जम्मू कश्मीर देसी रियासत शामिल हो गई, तो भारत सरकार ने इन पाकिस्तानियों को यहाँ से खदेड़ने के लिए अपनी सेना भेजी, और सेना ने लगभग यहाँ तक पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया। और तब तक भारत सरकार ने ये जो मामला है ये संयुक्त राष्ट्र संघ में लेके गए, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने दोनों देशों के बीच में युद्ध विराम की घोषणा करवा दी। और ये जो लाइन आपको रेड लाइन दिख रही है, इसको नाम दे दिया गया LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये रेड वाली लाइन है, इसको कहते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। और लाइन ऑफ कंट्रोल के इस साइड वाला जो भाग है, इसको कहते हैं POK। POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी पाक अधिकृत कश्मीर। और ये पाक अधिकृत कश्मीर है, इसके भी दो भाग है। ये वाला जो भाग जो दिख रहा है, इसको तो बोलते हैं गिलगित और बाल्टिस्तान वाला इलाका, और इसको ये पाकिस्तान वाले बोलते हैं आजाद कश्मीर, और हम पूरे इलाके को बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब सही रूप से देखें तो हरि सिंह जी ने पूरा का पूरी जम्मू कश्मीर रियासत है उसको भारत में शामिल किया था, इसलिए पूरा का पूरा इलाका क्या है, भारत का है। पर पाकिस्तान ने यहां तक कब्जा कर लिया, फिर युद्ध विराम की घोषणा करवा दी संयुक्त राष्ट्र संघ ने, तो यहां तक पाकिस्तान का कब्जा अभी भी है, जिसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। और जम्मू कश्मीर और POK के बीच में ये जो लाइन है, सीमा रेखा है, उसको बोलते हैं LOC। और जब हरि सिंह जी भारत के अंदर देसी रियासत को शामिल कर रहे थे जम्मू कश्मीर की, तब तक पाकिस्तान ने यहां तक कब्जा कर लिया और चीन ने यहां तक कब्जा कर लिया, जिसको हम बोलते हैं अक्साई चीन। तो चीन ने ये अक्साई चीन पर उस समय कब्जा किया था। अब ये वाला भाग तो रह गया भारत के पास में, ये पाकिस्तान के पास में, और ये चला गया चीन के पास में,
है ये सब पूरा का पूरा भारत का। तो इस पीओके को लेकर अभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है। सही रूप से ये भारत का है और पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। तो ये था पहला विवाद, पीओके विवाद, यानी पाक अधिकृत कश्मीर विवाद। पाक अधिकृत कश्मीर विवाद या शॉर्ट में लिखे तो पीओके विवाद। अब हम जो ये अक्साई सीन वाला विवाद है, ये हमने अगले वीडियो में कवर कर लिया था, भारत और चीन विवाद में। अब दूसरा विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो है चिया छीन विवाद। दूसरा विवाद है चिया छीन विवाद। सियाचिन है वो यहां पर है, ये वाला जो भाग दिख रहा है, ये वाला जो भाग है, ये तो भारत पाकिस्तान और चीन, ये वाला जो ऊपर वाला भाग है, ये तो भारत पाकिस्तान और चीन तीनों देशों के बीच में विवाद का क्षेत्र है। भारत ये तो भारत का तो है ही, पाकिस्तान अपना मानता है और चीन अपना मानता है, तो ये तो विवादित क्षेत्र है। इसके जस्ट नीचे ये वाला जो भाग है, ये इसको बोलते हैं चियाचिन। ये चियाचिन ये वाला भाग है और ये चियाचिन ग्लेशियर है। ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ का पहाड़, ग्लेशियर यानी बर्फ का पहाड़। तो सियाचिन ग्लेशियर है यानी बर्फ का पहाड़ है, और इसको लेकर, सियाचिन को भी लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में प्रमुख ये भी एक विवाद है। अब ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, ये भारत क्या एशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? भारत कहो एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा ग्लेशियर। अगर प्रश्न आता है कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो वो है सियाचिन ग्लेशियर। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो वो भी है सियाचिन ग्लेशियर। और इस सियाचिन को लेकर क्या विवाद है वो देखते हैं। तो सियाचिन यहां पर है, और सियाचिन के ऊपर भी, ये पहले जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उस समय, ये जो सियाचिन है ये पूरा का पूरा बर्फीला क्षेत्र था, निर्जन क्षेत्र था, तो इसको लेकर कोई स्पष्ट बात नहीं हुई कि ये भारत के साथ में है या पाकिस्तान के साथ में है, या फिर ये चीन की साइड में है कहाँ पर है, तो कोई स्पष्ट रूप से बात नहीं हुई थी। बल्कि जम्मू कश्मीर रियासत भारत में शामिल हो गई, तो ये पूरा पूरा भाग भारत के साथ में आ गया, और पाकिस्तान यहां पर अतिक्रमण करके इस ग्लेशियर पर कब्जा कर लिया। जब भारत सरकार को पता चला, तब तक पाकिस्तान ने लगभग आधे सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा कर लिया था। तो पाकिस्तान के द्वारा जो सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा किया गया, उसको हटाने के लिए भारत ने एक ऑपरेशन चलाया था, भारत ने ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत भारत ने चलाया था 1984 में। सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर, सियाचिन के ऊपर जो अतिक्रमण किया था उसको हटाने के लिए, अतिक्रमण हटाने के लिए। तो अगर प्रश्न आता है कि सियाचिन के ऊपर पाकिस्तान ने जो अतिक्रमण करके कब्जा कर लिया था सियाचिन के आधे भाग पर, उसको हटाने के लिए, अतिक्रमण को हटाने के लिए भारत ने 1984 में
ऑपरेशन मेघदूत चलाया था और इसके द्वारा भारत ने सियाचिन के 2/3 भाग पर कब्जा कर लिया। भारत ने सियाचिन ग्लेशियर के 2/3 भाग पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, यानी पाकिस्तान को खदेड़ लिया गया। और वर्तमान में भी सियाचिन ग्लेशियर का 2/3 भाग है वो भारत के पास में है और पाकिस्तान के पास में सियाचिन ग्लेशियर का 1/3 भाग है अभी भी वर्तमान में। तो ये था सियाचिन ग्लेशियर विवाद। और ये वाला जो भाग है ये अभी पाकिस्तान के पास में है और ये है भारत के पास में। अब ये विवाद ये है कि पाकिस्तान ये कहता है कि 1984 से पहले जो भाग सियाचिन ग्लेशियर का आधा पाकिस्तान के पास में था वो उसको दे दिया जाए, यानी सियाचिन ग्लेशियर का आधा भाग जो 1984 तक पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था वो पाकिस्तान को दे दिया जाए और आधा भाग भारत अपने पास रखे, ये पाकिस्तान कहता है। तो इसको लेकर अभी विवाद है। तो ये दूसरा विवाद था सियाचिन विवाद। अब जो तीसरा विवाद है वो है सर क्रिक विवाद जो यहां पर है, इसको देखते हैं। तो सर क्रिक विवाद, क्रिक का जो मतलब होता है, क्रिक का मतलब होता है दलदली भाग, दलदली भाग को क्रिक कहते हैं। और ये जो सर क्रिक विवाद है वो है यहां पर, ये वाला जो भाग दिख रहा है ये है सर क्रिक विवाद वाला भाग, ये सर क्रिक विवाद वाला भाग है। ये जो सर क्रिक है ये वर्तमान में सर क्रिक है, ये भारत के गुजरात राज्य में है। तो यहां पर है गुजरात, तो भारत के गुजरात राज्य में ये सर क्रिक है और इसको लेकर भी भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है। ये कहानी शुरू होती है ब्रिटिश शासन के समय, जब ब्रिटिश शासन ने, अंग्रेजों ने इस सर क्रिक वाले इलाके को अपने अंदर में ले लिया और यहां पर जो मुंबई प्रांत था, मुंबई प्रांत, अंग्रेजों ने सर क्रिक के ऊपर कब्जा करके अपने अंडर में लेकर ये मुंबई प्रांत है उसके अंदर शामिल कर दिया था। और जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उस समय यहां तक तो, इस वाले भाग तक तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण कर दिया गया और उसके आगे जो ये सर क्रिक वाला इलाका है ये पूरा का पूरा दलदली भाग था, निर्जन क्षेत्र था। तो यहां इसका कोई स्पष्ट विभाजन नहीं किया गया था। अब ये वाला जो भाग है इसके सर क्रिक के जस्ट ऊपर यहां पर पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, पाकिस्तान का, तो सर क्रिक के ऊपर की साइड में पाकिस्तान है और उसका सिंध प्रांत है यानी राज्य है, और सर क्रिक के इस साइड में भारत का गुजरात राज्य है और ये गुजरात के अंडर में है। अंग्रेजों के द्वारा इसका कोई स्पष्ट रूप से विभाजन भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं किया गया और पाकिस्तान ने भी इतने दिन तक इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। और जब यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थ हो सकते हैं या पेट्रोलियम के लिए यहाँ पर खनन का काम हुआ तो पाकिस्तान की लालच जाग गई और उसने इस सर क्रिक वाले इलाके को अपना बताना शुरू किया। पाकिस्तान कहता है कि ये सर क्रिक वाला इलाका है वो सिंध प्रांत का है, क्योंकि पता चला कि यहाँ पेट्रोल निकल रहा है तो उसकी लालसा है वो जाग गई। तो ये है सर क्रिक। और ये वाला जो गुजरात का भाग आपको दिख रहा है तो ये तो हो गया सर क्रिक वाला इलाका, ये जो पूरा का पूरा गुजरात का, तो ये वाला जो गुजरात का भाग है इसको बोलते हैं कच्छ का रण, कच्छ का रण। और ये वाला जो आपको दिख रहा है ये खाड़ी, ये है कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। और यहां पर जो है ये दलदली भाग है इसको बोलते हैं खौरी क्रिक,
क्वारी क्रीक। ये जो आपको लाइन के रूप में दिख रहा है, ये वाला जो भाग है, ये है लाइन के बराबर 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बराबर है। 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश की जो रेखा है उसके बराबर भारत और पाकिस्तान के बीच में ये बंटवारा किया गया था। तो इसके आगे विवाद है, यहाँ तक कोई विवाद नहीं है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक कोई विवाद नहीं है। तो ये था भारत और पाकिस्तान के बीच में सर क्रिक विवाद के बारे में। अगला जो विवाद है वो है सिंधु नदी जल विवाद, इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो मिलते रहें।